पीएम मोदी ने अपने मिस्र दौरे के दूसरे दिन तारीखी अल हकीम मस्जिद का दौरा किया, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर आई तो हर कोई देखता रह गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यहां दाऊदी बोहरा वर्ग के लोगों ने पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया। इस मस्जिद का निर्माण 11वीं सदी में कराया गया था। मस्जिद पहुंचने पर दाऊदी बोहरा तबके के लोगों ने पीएम का शानदार स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए। यहां पीएम मोदी ने तकरीबन आधे घंटे का वक्त बिताया, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से पीएम मोदी हर चीज का बारीकी से जायजा ले रहे थे। इसकी दीवारों और दरवाजों पर बनी नक्काशी को देख रहे थे और यहाँ मौजूद लोगों से भी पीएम मोदी ने काफी बातचीत की। सन 1997 के बाद कोई हिंदुस्तानी पीएम मिस्र के दौरे पर गया है। राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी की दावत पर पीएम मोदी मिस्र के दो रोजा दौरे पर रवाना हुए थे। यहाँ पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि मिस्र में मौजूद 11वीं सदी की इस मस्जिद की मरम्मत का काम भारत में रहने वाले दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों की मदद से पूरा हुआ है। इसकी मरम्मत का काम 3 महीने पहले ही पूरा हुआ है। मस्जिद का दौरा करने के बाद पीएम मोदी ने हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव स्थित युद्ध स्मारक का दौरा भी किया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए। इस स्मारक को 4000 भारतीय सैनिकों के स्मारक के रूप में जाना जाता है, जो प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र और फिलिस्तीन में शहीद हो गए थे। कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार पर हेलियोपोलिस पार्ट टेविफिक मेमोरियल है, जो बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया है। हालांकि पोर्ट टेविफिक का मूल स्मारक 1970 के दशक में इजराइल मिस्र संघर्ष के दौरान नष्ट हो गया था। वहीं आपको बता दें कि 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का भारत से भी खास नाता है और उसके पुनरुद्धार में भारत की अहम भूमिका रही है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल इस मस्जिद का जीर्णोद्धार बोहरा समुदाय ने किया था और दाऊदी बोहरा समुदाय के 52वें धर्मगुरु सैयद मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने इसकी जिम्मेदारी ली। भारत से ताल्लुक रखने वाले बुरहानुद्दीन का भारत से नाता रहा है और उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री भी दिया गया है। इसके अलावा राजधानी काहिरा में देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की। राष्ट्रपति सीसी ने मोदी को मुलाकात के दौरान देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। ये पीएम मोदी को दिया गया 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। इस साल जनवरी में गणतंत्र दिवस के मौके पर अल सीसी बतौर चीफ गेस्ट भारत आए थे। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी को भारत आने का न्योता दिया था। ऐसे में 26 सालों में देश की यात्रा करने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम हैं। लेकिन उस वक्त सब हैरान रह गए जब पीएम मोदी मिस्र की इस पुरानी मस्जिद में पहुंचते हैं और हर चीज को बारीकी से देखते हैं। तो आप इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।